हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइज कैसे हैं आप? गाइज अभी हम लोग हैं दार्जिलिंग में। आइए चलते हैं, आज दार्जिलिंग आपको घुमाते हैं, यहाँ बौद्ध स्तूप और जो भी है दिखाते हैं। आइए चलते हैं। सर जी कैसा लग रहा है आकर यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। इधर सर जी फोटो खींच रहे हैं। इधर बौद्ध स्तूप बहुत बड़ा है। इधर पप्पू भाई हमारे, इधर हम लोग आ रहे हैं, चलते हैं आपको बौद्ध स्तूप दिखाते हैं। गाइस यह जो शांति स्तूप बना है पहाड़ी के टॉप पर बना है, यहाँ से दार्जिलिंग का व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। दोस्तों हम लोग हैं दार्जिलिंग में, अभी बौद्ध स्तूप देखने आए हैं जो जापान वालों बनाए हैं। बहुत जितने भी इंडिया में बौद्ध स्तूप पाएंगे सब जापान वाले ही बनाए हैं। गाइज अभी हम लोग शांति स्तूप के सबसे ऊपर आ गए हैं। यहाँ से देखने पर दार्जिलिंग का पूरा शहर दिख रहा है, बहुत खूबसूरत व्यू दिख रहा है। बहुत इधर देखिए, बहुत खूबसूरत व्यू है इधर। सर जी कैसा लग रहा है करे यहाँ? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। हमारे फोटो खींचने में लगे हैं। फाइनली गाइज हम लोग आ गए गोरखा वार मेमोरियल बतासिया लूप। अभी यहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बतासिया लूप एक युद्ध स्मारक है। स्मारक का निर्माण जिला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग द्वारा उन बहादुर गोरखा सैनिकों की स्मृति में किया गया था जिन्हें आज़ादी के राष्ट्रीय प्रभुता रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। इस स्मारक को 22 मार्च 1995 को पवित्र किया गया था, यानी बनवाया गया था। बहुत अच्छा, बहुत मस्त जगह है, आप लोग भी आइए दार्जिलिंग। फिर देखिए वार मेमोरियल बतासिया लूप। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग हैं बतासिया लूप टॉय ट्रेन के पास में। देखिए क्या खूबसूरत है। क्या सर जी ट्रेन देखकर कैसा लगा? दोस्तों यहाँ देखिए बहुत भीड़ लग गई है ट्रेन के साथ, फोटो और सेल्फी लेने के लिए लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये दोस्तों जो सामने आप देख रहे हैं, ये है गोरखा जो शहीद हुए थे उनके यादों में स्मारक बनाया गया है। फाइनली गाइस हम लोग बतासिया लूप देख चुके हैं, अब यहाँ से चल रहे हैं। देखिए हमारे पप्पू भाई इधर आउटसाइड, उधर मौसम खराब हो रहा है। देखिए कैसा लगा आकर? अच्छा लगा, एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। चलते हैं अगले जगह पर देखने, अब दूसरी जगह पे चलते हैं।